बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। पॉजिटिव एटीट्यूड विद टाइटेनियम थिंकिंग। चल गुरु, आज हम बात करेंगे कि आपने सीवी कैसे बनानी है और सीवी कैसे अटैच करके सेंड करनी है प्रोफेसर को। ठीक है, गूगल में टाइप करना है सीएससी गाइड ऑफिशियल और पहले लिंक पर कर देना है क्लिक। आप पहुंच जाएंगे हमारी वेबसाइट csgaidofficials.com पे। यहाँ पे प्रोसीजर मैंने आपको बताया था, यहाँ पे क्लिक कर देना है चाइना स्कॉलरशिप प्रोसीजर 2023-2024। ठीक है, दूसरा स्टेप, इसके दो पार्ट बनाऊंगा मैं, एक स्टेप टू पार्ट वन, स्टेप टू पार्ट थ्री, उसमें प्रोफेसर आपने कैसे फाइंड करना है। ठीक है, उसके बाद ये स्टेप थ्री स्टेप फोर, सही हो गया। इस पे आपने सॉरी तबीयत अभी ख़राब है तो अच्छा, उस ये जो लास्ट वीडियो बनाई है उसके फ़ौरन बाद ही मैं ये दूसरी वीडियो बना रहा हूँ। अब यहाँ पे जो है ये तो स्टेप वन, स्टेप टू कि आपने कैसे जो है सीवी उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। ठीक है, ये आपने पढ़ लेनी है फॉर द ईयर 2021, 2022, ये 2022 के लिए था, 2021 नहीं, अपडेट नहीं किया इस, यहाँ पे भूल गया, मैं इसे अपडेट करूँगा। अच्छा, ये आपने फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये सारे का सारा ईमेल की फॉर्मेट में आ जाएगा, सॉरी उसमें सीवी की फॉर्मेट जो होगी उसमें आ जाएगा। ये हेडिंग्स हैं, ठीक है, इसमें आपने ये लिखना है, ये सारे का सारा आप सेम टू सेम कॉपी करके उसमें पेस्ट कर सकते हैं सीवी में, अपनी थोड़ी बहुत चेंजेस कर सकते हैं उसमें, थोड़ी बहुत चेंजेस कर भी दीजिएगा। उसके बाद ये आप लिख दीजिएगा एकेडमिक क्वालिफिकेशन में, ऐसे ही अपना जो है, जो आपका होगा बीएस कंप्यूटर साइंस है, जो भी है यूनिवर्सिटी का नेम जो भी है। उसके बाद ये कुछ अपने मेजर्स के जो अपने सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे उस हवाले से कर लीजिएगा, या मेजर या जो रिसर्च अगर आप कर रहे हैं या की है या नहीं की, उस हिसाब से वो डाल दीजिएगा, वो सब्जेक्ट्स के नेम या रिसर्च टॉपिक के नेम। ठीक है, रिसर्च डायरेक्शन यहाँ पे आपने दे देनी है, ये बहुत अहम हिस्सा होता है ये रिसर्च डायरेक्शन का, इसको आपने जो है लाजमी माइंड में रखना है। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि हमें नहीं पता रिसर्च डायरेक्शन हमारी कौन सी, हम कंप्यूटर साइंस में पढ़ते हैं या सिविल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी आपका है, लेकिन हमें रिसर्च डायरेक्शन का नहीं पता, सिर्फ हमें मेजर का पता है कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, आगे हमें नहीं पता, तो आपने उसका तरीका इस पॉइंट को जो है नेक्स्ट उसके लिए छोड़ दीजिए, जो दूसरा पार्ट आएगा। ठीक है, उसमें मैं आपको बताऊंगा उसका और इसका हवाला देके कि आपने क्या करना है। जब प्रोफेसर फाइंड करने लगूंगा तब मैं इस रिसर्च डायरेक्शन को कवर करूंगा, इस सवाल को जो है अभी यहीं पे छोड़ देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद वो इंशाल्लाह इसके बाद ही वीडियो मैं कोशिश करूंगा, अभी तबीयत ने साथ दिया तो मैं इसके फौरन बाद ही वो वीडियो बनाऊंगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तीन पार्ट जो अहम है वो आज ही की वीडियो अपलोड कर दूं, ताकि लड़के प्रोफेसर जो को मेल्स करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, जो वेट कर रहे हैं, जिन्होंने कर दिया है, अगर आप ये सोच रहे हैं ओ हमने तो कर दिया है, 20 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, हमने दो एक्सेप्टेंस भी ले लिए हैं, या आपको किसी अपने आपके दोस्त ने बताया मैंने तो एक्सेप्टेंस भी ले लिए हैं, ये लेट कर रहे हैं, तो इस तरह कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, अगर आपकी किस्मत में हुआ स्कॉलरशिप तो कोई माई का लाल नहीं छीन सकता। मैं आपको सारी यकी बात दिख अपनी स्टोरीज सारा कुछ बताता रहूंगा, आपने परेशान तो बिल्कुल होना ही नहीं है ना, ठीक है, जिंदगी बाकी तो। ठीक है, इस सवाल का जवाब नेक्स्ट वीडियो में जब मैं रिसर्च प्रोफेसर की प्रोफेसर फाइंड कर रहा हूँगा, इसका सवाल उस वक्त जवाब दूंगा आपको। ठीक है, अभी आपको पता नहीं चलेगा अगर मैं जवाब देने बैठ जाऊँ। रिसर्च एंड प्रोजेक्ट्स आपने कर लेना है, जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट किया होगा उसका नेम आपने लिख देना है यहाँ पे, जो आपने किए हैं या कोई इंटर्नशिप में जो कुछ काम किया है उसके बाद थोड़ा बहुत दे दीजिएगा। ठीक है, मीन्स के जो आपने ईमेल सेंडिंग सिस्टम, मीन्स के प्रोजेक्ट के बारे में बात हो रही है, जो आपने प्रोजेक्ट बनाया था, डेटा बेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ITS, ये दो तीन हवाले दे दीजिएगा किसी चीज़ का। अगर आपके पास एक आधा में आपने काम किया है, दूसरा आपको नहीं पता चल रहा, तो वो भी आप एक आध किसी दोस्त का जो उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया था उसका भी, उनसे पूछ के भी आपने कौन सा प्रोजेक्ट बनाया था, दो तीन का हवाला दे दीजिएगा बस। ठीक है, अगर ये ना भी दें तो ये रिसर्च प्रोजेक्ट्स में सिर्फ आप अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का हवाला दे दें तो वो भी काफ़ी होगा। ठीक है, एकेडमिक प्रोजेक्ट्स, गिव अबाउट योर रिसर्च प्रोजेक्ट, व्हाट यू हैव डन इन योर प्रीवियस एजुकेशन, ये भी एकेडमिक प्रोजेक्ट्स में भी आप भाई इन दोनों में से एक हेडिंग आप यूज़ कर लें। अगर आपको दोनों अच्छी लगती हैं तो दोनों हेडिंग्स आप यूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, पहली हेडिंग जो है आप मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, आपने यहाँ पे आना है सीएस गाइड ऑफिशियल गूगल यूट्यूब में आप सर्च करेंगे, प्लेलिस्ट में जब आएंगे ना, ये प्लेलिस्ट बनी हुई है, 9 वीडियोस हैं, दूसरी वीडियो से स्टार्ट करना शुरू कीजिएगा, जो मैं अब वीडियो बना रहा हूँ और उस वक्त जो मैंने वीडियो बनाई थी। साफ जाहिर है जब बंदा बोलता है तो ये तो नहीं होता बिल्कुल एग्जैक्ट ही जो लास्ट टाइम कहा था वही जो है मैं आप कहूँगा, हो सकता है उस वक्त मैंने ऐसी चीज़ें बताई हूँ जो अब ना बता रहा हूँ, या अब बता रहा हूँ उस वक्त ना बताई हूँ, तो ये वीडियोज़ वो जो लास्ट टाइम वाली वीडियोस थी उनका कोई फर्क भी नहीं है, सिर्फ मैं इस वजह से ये दोबारा बना रहा हूँ, लड़के कह रहे हैं कि दोबारा अपडेट करके बनाए, तो मैं इस वजह से बना रहा हूँ, लड़के ये ना समझे कि प्रीवियस वाली ईयर वाली वीडियो है तो हम नहीं देखेंगे या इस तरह का कुछ, या उसमें कोई चीज़ें रह तो नहीं है, तो
तो उसको भी मैं आपको कोशिश मैं सजेस्ट करूंगा कि उसको भी देख लीजिएगा कि सीवी जो है कैसे बनानी है। तो हो सकता है उसमें मैंने और चीज़ें बताई उस वक्त जो मुझे अच्छी तरीके से याद हूँ। अब जो है बंदे का हाफ़ा आहिस्ता आहिस्ता जो है कभी ज़्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है, तो डिपेंड करता है ना बंदे के मूड पे और बंदे की कंडीशन पे, हेल्थ कंडीशन पे, और सारी चीज़ें जो इन्वायरमेंट पे सारा डिपेंड करता है। कभी खुश मूड में बैठा होता है, कभी जो मूड सही नहीं होता, तो उस हिसाब से जो है काफ़ी सारी चीज़ें माइंड में आती रहती हैं। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि वो आप यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी आप मुझे ये नहीं है कि वो वीडियोस मेरी देखी जाएंगी, हमारी वीडियोस देखी जाएंगी और हमें पैसे मिलेंगे, नहीं। सिर्फ आप अगर आपका दिल चाहे ना चाहे कोई मसला नहीं है, डोंट वरी। आप जो अब वाली वीडियो है वो देख लें अब, ठीक है। रिसर्च एंड प्रोजेक्ट्स हो गया, उसके बाद एकेडमिक प्रोजेक्ट्स में भी आप दे दें। एकेडमिक प्रोजेक्ट्स को आप स्किप करना चाहें तो वो भी कर दें। हो सकता है जो लास्ट मैंने पिछले साल वीडियो बनाई थी उसमें मैंने कुछ और कहा हो, अब मैं कुछ और कह रहा हूँ, तो उन दोनों को आपने कर लेना है उस हिसाब से किताब से, ठीक है। अनर अचीवमेंट्स में अगर आपको कोई अचीवमेंट्स वगैरह आपने की हुई हैं, लैपटॉप वगैरह मिले हों, या कोई इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट वगैरह हो, या कोई ऐसी चीज़ जो भी आपके पास हो तो वो आप कर लीजिएगा। अगर नहीं है तो एक आध डाल दीजिएगा बस, हाँ मेरे पास ये है, या कोई ऑनलाइन कोर्स किया है, कुछ भी किया है वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आप कहते हैं बिल्कुल मेरे पास है ही कुछ नहीं, तो इसको भी आप खत्म कर दें, कोई मसला नहीं है। ट्रेनिंग स्किल में आप कह दीजिएगा कि मुझे ऑफिस का, अब ऑफिस तो हर किसी ने उसी को आता होगा ना, प्रेजेंटेशन दी होंगी, पीपीटी, तो ये सारी चीज़ें उसमें ऐड कर दीजिएगा। कोई किसी के पास कोई स्किल वगैरह है, कोई जो भी है वो भी इसमें ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। ऑटो कैड वगैरह जो भी है सारा कुछ, ठीक हो। इसके बाद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं अगर आपके हैं तो वो तो साफ ज़ाहिर है, कोई ना कोई किताबें पढ़ता होगा, क्रिकेट खेलता होगा, ठीक है, जो भी है, वॉलीबॉल जो भी खेलता है, जो भी कुछ करता है, वो भी यहाँ पे आपने डाल देना है, ठीक है। ये है सीवी, सिर्फ आपकी एक वो कि आपने अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है, बाकी इसका वो नहीं है कि आप कुछ ऐसा लिख दें और कुछ ऐसा जो आप में ना हो, तो वो थोड़ा बहुत जो है आप कर लें कि जो है मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। ये ना हो कि आप कहें कि मैं जो है बहुत बड़ा रिसर्चर हूँ, मैंने ये काम किया हुआ है, वो काम किया हुआ है, वो कहें कि हाँ भाई रिसर्च आपने मुझे बता थोड़ा सा ये क्या किया तुमने, फिर आप कहें नहीं मुझे तो नहीं पता, मैंने सिर्फ सीवी में लिख दिया। ऐसा भी ना कीजिएगा, इतना लिखिएगा जो हजम हो सके, ठीक है। ये ना हो आप ऐसी बातें लिख दें वो हजम ही ना हो। पर्सनल डाटा आपने उसमें लिख देना है, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, CNIC, पासपोर्ट नंबर, एड्रेस अपना लिख देना है। रेफरेंसेस में आपने जिस प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस लेटर लेने हैं उसका, सॉरी एक्सेप्टेंस कह रहा हूँ, रिकमेंडेशन लेटर बनवाने हैं जो डॉक्यूमेंटेशन का हिस्सा होती है अप्लाई करते वक्त, याद रखिए रिकमेंडेशन लेटर और एक्सेप्टेंस लेटर में फर्क होता है। एक्सेप्टेंस लेटर के लिए आप मेल्स करते हैं, रिकमेंडेशन लेटर वो होते हैं जो आपके प्रीवियस यूनिवर्सिटी से जहाँ से आपने पढ़ा होता है उसके प्रोफेसर कहते हैं कि ये स्टूडेंट मेरे पास पढ़ा है और ये अच्छा स्टूडेंट है, ब्ला ब्ला ब्ला, तो वो होते हैं, तो उनका हवाला दे दीजिएगा। अगर आपके पास नहीं है तो कोई आपको प्रोफेसर तो पढ़ाता होगा ना उस वक्त, उसकी किसी के साथ कॉन्टैक्ट में है तो उनके डिटेल यहाँ पर लिख दीजिएगा, दो प्रोफेसर की, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर लिख दें तो अच्छा है, या किसी दोस्त का आप रेफरेंसेज में दो, किसी दोस्त का की ईमेल वगैरह दे दें जो चाइना में हो या यहीं पर हो, जिसने सजेस्ट किया हो, तो ये है। लेकिन ये कोशिश कीजिएगा इसमें उसी प्रोफेसर की डिटेल दीजिए, ताकि समटाइम प्रोफेसर कहते हैं कि ये जो आपने रेफरेंसेज में दो प्रोफेसर के नेम लिखे हैं ना, ये दो प्रोफेसर अगर मुझे मेल कर दें कि भाई ये स्टूडेंट मेरे पास पढ़ता रहा है और इसका ये बैकग्राउंड है ये वो, तो मैं आपको एक्सेप्टेंस लेटर दे दूंगा, मेरे साथ खुद ये हो चुका है, ठीक है। तो इस वजह से उन्हीं प्रोफेसर की ईमेल दें, ताकि अगर प्रोफेसर कह दे, वो होता है समटाइम रेयर केसेज में, लेकिन मैं सिनेरियो बता रहा हूँ ताकि आपके माइंड में भी कोई ऐसे सवाल ना रह जाए, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे सॉरी वेरी सॉरी, डाउनलोड नाउ के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है, और ये पहला फॉर्मेट है और ये है दूसरा फॉर्मेट, इन दोनों में से कोई भी आप फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर वाली वीडियो है, ये आप देख सकते हैं, वीडियो इन इंग्लिश उर्दू, ठीक है। तो ये पहला फॉर्मेट है, इसमें अगर आपने यूज़ करना है तो ये इस फॉर्मेट को भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी अच्छा फॉर्मेट है, इनमें ये जो चीज़ें हैं ये भी आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, ओके। और इसके बाद है जी दूसरा फॉर्मेट जो है, ये भी अच्छा फॉर्मेट है, इसी हिसाब से ये जो वेबसाइट पे सारी डिटेल वगैरह दी गई है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन सारा कुछ ये इस सीवी के हिसाब से दी गई है, ठीक है। तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ज़बरदस्त फॉर्मेट्स हैं, दोनों अच्छे फॉर्मेट हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बाकी सीवी आप पे डिपेंड करता है। आप ये ना सोचें कि भाई पता नहीं मेरी सीवी कैसी है, पता नहीं मैंने सही बनाई है या नहीं बनाई, इस सवाल को आप छोड़ दें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और मेन चीज़ जो है रिसर्च प्रोजेक्ट्स में बस आपने वही लिख देने हैं जो आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है या जो कुछ आपने किया है। बाकी रिसर्च डायरेक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ से आपका प्रोफेसर आपका अंदाज़ा लगाएगा कि इस चीज़ को किस में इंटरेस्ट है, किस रिसर्च में इंटरेस्ट है और किस जो है टॉपिक पर ये काम करना चाहता है। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा,
अब मैं आपको बता दूं कि आपने सीवी अटैच कैसे करनी है, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखना है प्रोफेसर का नेम, लिख देना है टू में। प्रोफेसर कैसे फाइंड करना है वो तो नेक्स्ट में हम बात बताएंगे, मैं आपको बताऊंगा। सब्जेक्ट में आपने लिख देना है रिक्वेस्ट फॉर सुपरविजन, रिक्वेस्ट फॉर, ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर सुपरविजन आपने कर देनी है। इसके बाद आपने क्या करना है, वो जो फॉर्मेट था ना पहला, ये पहला फॉर्मेट जो है ये वाला, ये फॉर्मेट आपने क्या करना है, इनमें से एक कॉपी करके, ये स्टेप वन वाला होगा ईमेल की बॉडी, ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। इसको कॉपी करके यहाँ पे आके आपने पेस्ट कर देना है और अपने हिसाब से चेंजेस कर लेनी है, नेम वगैरह अपना हिसाब, फील्ड वगैरह सारा कुछ आपने अपना हिसाब सारा कुछ दे के सीवी को सिर्फ और सिर्फ आपने सीवी अटैच कर लेनी है, ठीक है। अपना सीवी में नेम लिख देना है, जैसे सीवी फॉर्मेट लिखा हुआ है यहाँ पे आपने अपना नेम लिखा है इमरान खान सीवी या जो भी आपकी है सीवी, उसका नेम लिख देना है। और रिसर्च प्रपोजल, या अगर आप पीआईडी के स्टूडेंट हैं ना, पीआईडी के अगर आपने रिसर्च की हुई है तगड़ी अच्छी खासी और आपको लगता है कि जिस प्रोफेसर को आप मेल कर रहे हैं वो भी मेरे रिसर्च से मैच कर रहा है, मुझे पता है कि इसी टॉपिक में मैंने काम किया और यही प्रोफेसर जो है मैं इसी को मेल सेंड करूंगा, तो आप उसी स्पेसिफिक टॉपिक का हवाला दे दें और साथ रिसर्च प्रपोजल ना करें फिलहाल सेंड, बस आप सीवी ही अटैच कर दें, उसमें सारा लिखा होगा। फिर उसके बाद प्रोफेसर अगर आपसे मांगेगा भी, मास्टर वाले और पीएचडी दोनों से, अगर आपने सीवी सेंड की उसके बाद प्रोफेसर अगर कह दे कि आप मुझे स्टडी प्लान अपना बना के दे कि आपका प्लान क्या है, फिर या रिसर्च प्रपोजल अगर मांग ले पीएचडी वालों से तो या मास्टर वालों से, तो फिर आपने अपने हिसाब से वो आपने बना के देना है। स्टडी प्लान कैसे बनाना है वो इंशाल्लाह चौथा पाँच बस छठा सातवां स्टेप होगा उसमें मैं बता दूंगा। तो वो प्रोफेसर काफ़ी सारे कहते हैं कि आप इंटरव्यू पे आएँ, आप वीचैट आईडी दें, वीचैट आईडी लें और इंटरव्यू में ले लूँगा, तो उस तरह भी चीज़ें चलती रहती हैं। कुछ प्रोफेसर डायरेक्ट बस ये कहते हैं सीधा अटैचमेंट, इन द अटैचमेंट एक्सेप्टेंस लेटर, ठीक है, इस तरह का कुछ बस लिख देते हैं, इंग्लिश पूरी सूरी होती है उनकी हमारी तरह, ठीक है। तो बस कभी कभी कोई कहता है कि नहीं मुझे सवालों के जवाब दो, आप ट्रांसक्रिप्ट सेंड करो, मुझे ये सेंड करो, मुझे वो सेंड करो, तो वो इस तरह प्रोफेसर कुछ सवाल जवाब करते रहते हैं। आप कोई सवाल जवाब करें तो परेशान नहीं होना, कमेंट्स वगैरह मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है मैं सवालों के जवाबों का देता रहूँगा, वीडियो बनाता रहूँगा उस पर, क्योंकि क्या कहते हैं उसे, तबीयत थोड़ी सी अपसेट है तो इस वजह से मैं सवालों के जवाब की वीडियो नहीं बना रहा, इसको कोर्स को ख़त्म करके फिर ही जो है करेंगे सारा कुछ, तो ये भी साथ साथ है। तो ये है, बस आपने कर देनी है मेल सेंड, मेल सेंड होगी, कोई मेल यूज़ करें, जी मेल यूज़ करें, ई मेल, वो याहू मेल यूज़ करें, आउटलुक यूज़ करें, क्यू क्यू करें, कोई कहते हैं कि क्यू क्यू होनी चाहिए, चाइना की अपनी मेल है उसको प्रेफर करते हैं, या कोई इंस्टीट्यूशनल ईमेल होनी चाहिए, हमारे पास वो नहीं है, वो उससे फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी सीवी मैटर करती है और आपका एक्सेप्टेंस लेटर के आपका लक मैटर करता है, ठीक है। तो इसके अलावा और कुछ नहीं है, मैंने आपको बता दिया कि कब आपने मेल करनी है, रात के टाइम आपको मेल करनी है, लेट नाइट जितना हो सके, हफ्ता इतवार को छोड़ के, जुम्मे वाले दिन भी छोड़ के, हफ्ते हफ जुम्मे वाले दिन जुम्मे की रात को और हफ्ते की रात को छोड़ के, इतवार वाले दिन इतवार की रात जो है आपने मेल करनी है, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, जुमेरात तक, बस ये 5 दिन, वीकेंड पे मेल नहीं करनी, क्योंकि प्रोफेसर जो बिजी होते हैं वो अपनी मस्ती में लगे होते हैं, उनको छुट्टियां वगैरह, तो वो फिर मेल को इग्नोर कर देते हैं, तो इस वजह से, ठीक है, ये था सारा तरीकाकार, मिलते हैं अगली वीडियो में, दो में याद रहेगा, अल्लाह हाफिज़।